हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एडवोकेट नाम से केसों को सर्च करने के बारे में बताया था। आज मैं बार रजिस्ट्रेशन कोड, किसी अधिवक्ता का बार रजिस्ट्रेशन कोड से कैसे न्यायालय के ऑनलाइन पोर्टल से केस सर्च करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टाइप करेंगे ecourts.gov.in और इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें केस स्टेटस को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप केस स्टेटस को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा जिसमें लिखा है कि आप अपना स्टेट भरें, डिस्ट्रिक्ट भरें और कोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम भरें। तो मैं अपना स्टेट भर लेता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तराखंड भरता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चमोली का हूँ तो चमोली मैं फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चमोली भर देता हूँ। भरने के बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें जो पहला है वो पार्टी नेम सर्च करने के लिए है, दूसरा केस नंबर से सर्च करने के लिए है, तीसरा फाइलिंग नंबर से सर्च करने के लिए, चौथा एडवोकेट नाम से सर्च करने के लिए है, उसके बाद पांचवा एफ आई आर नंबर से सर्च करने का है, छठा आपका एक्ट से सर्च कर सकते हैं आप, और सातवां जो है केस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं चौथे नंबर वाला जो है एडवोकेट उससे सर्च करना बता रहा हूँ, तो क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद पिछली वीडियो में मैंने एडवोकेट नाम से आपको सर्च करना बताया था, अब मैं सेकंड ऑप्शन इसका जो है बार कोड उससे सर्च करना बताऊँगा। तो मैं बार कोड पर क्लिक करूँगा। बार कोड में क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन है एडवोकेट बार कोड। तो एडवोकेट बार कोड मैं रैंडम भरूँगा। तो सबसे पहले स्टेट कोड पूछ रहा है तो मैं स्टेट कोड उत्तराखंड का UK फिल कर देता हूँ। रैंडम कोई बार रजिस्ट्रेशन नंबर मैं टाइप कर दे रहा हूँ। ऐसी रैंडम मैं बार कोड रजिस्ट्रेशन कोड का ईयर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आपको इस अधिवक्ता के बार कोड से पेंडिंग केस की लिस्ट को देखना है या डिस्पोजल केस लिस्ट को देखना है या दोनों, तो मैं बोथ वाले ऑप्शन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे अभी पेंडिंग केस की डिटेल देखनी है तो मैं पेंडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। करने के बाद मैं कैप्चा भरूँगा। कैप्चा फिल करने के बाद मैं इसे गो करूँगा। गो करने के बाद इस तरह का पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें जसपाल सिंह के नाम से 5 केस जो है यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं इन 5 केसों में से किसी को भी रैंडम क्लिक करूँगा तो उस केस का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो मैं रैंडम ही कोई केस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। माना मैं सिविल जज सीनियर डिवीजन वाले केस को क्लिक करता हूँ। केस का नंबर है, नाम है विनीता देवी वर्सेस काजल किनर। तो इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ व्यू में क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज जो है खुल जाएगा जहाँ इस केस का स्टेटस आपको दिख रहा होगा।
अगर इसको और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसका एक्ट, इसके वकील का नाम, केस हिस्ट्री, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।